साथियों, जैसा कि आप सभी भारत देश के अभी तमाम बहुजन आंदोलन को देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा संगठनों का आंदोलन होने के बावजूद इस देश में विषमतामयी विचारधारा की व्यवस्था एवं राजनीतिक स्थिति मजबूत है। तो मेरे समझ से ऐसा लगता है कि ये जो इस देश की शोषित वर्ग है, इस वर्गों का जो जातियों में और समुदायों में विखंडन होकर के आंदोलन चल रहे हैं, इन सभी को एक साथ आकर संवैधानिक मूल्यों के आधार पर एक साथ आंदोलन करना चाहिए। तभी जाकर के इनके जो संवैधानिक मूल्य हैं, इनके जो हक और अधिकार हैं, प्राप्त हो पाएंगे। अन्यथा ये अलग-अलग होकर के विखंडित रूप से आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि आज़ादी के लगभग 70 सालों के बाद भी आज तक जो भी संवैधानिक हक और अधिकार इस देश के शोषित और वंचितों को दिया गया है, वो आज तक हासिल नहीं हो पाया। कारण सिर्फ इतना रहा कि ये लोग हक और अधिकार के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन वो या तो फिर किसी जातीय समीकरण में इकट्ठे होते हैं या किसी समुदाय वर्ग में इकट्ठे होकर रह जाते हैं, जबकि इनको जातियों के बजाय जमात में इकट्ठा होकर इस विषमतावादी विचारधारा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और मेरी समझ से आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से ये लोग अलग अलग होकर के जातीय समीकरण में आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें एक साथ इकट्ठा होकर के इस विषमतावादी विचारधारा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और जिस तरह से संविधान से इनके मौलिक हक और अधिकारों को धीरे धीरे ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं, उससे बचाने के लिए और अपने हक अधिकार को पुनः प्रतिस्थापित करने के लिए इन सबको इकट्ठे होकर के इस विषमतावादी विचारधारा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इससे न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक परिस्थितियों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और तभी जा करके इस देश में जो एक संवैधानिक रूप से व्यवस्था होनी चाहिए वो हो पाएगी। अन्यथा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अपने पर्सनली किसी जाति या व्यक्तिगत तौर पर अपने फायदे के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं, और इस बड़े वर्ग को अलग-अलग खंडों में विभाजित करके खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के फायदे के लिए ये लोग समाज को, समाज की बातें करने के संगठित तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो अपेक्षित बदलाव होना चाहिए, जो इनको सही रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, और वो आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है। तो मैं समस्त समाज, बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से यही अपील करूँगा कि वो जातीय या एक समुदायों में बंटकर आंदोलन ना करें, वो एक साथ एक विचारधारा पर आकर एक जो शोषित वर्ग को इकट्ठा करके एक साथ आंदोलन करें, ताकि इस विषमतावादी विचारधारा के खिलाफ एक राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन किया जा सके। जय भीम, जय मूलिवासी।